हे गाइस वेलकम बैक टू मनीषा कॉमर्स क्लासेस जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम पी ट्रीप्लस बी अकाउंट्स क्लर्क की प्रपरेशन कर रहे हैं तो आज मैं आपके लिए एक मैराथन वीडियो लेके आई हूं ऑडिटिंग की ऑलमोस्ट आपके सभी टॉपिकों ऑडिटिंग के इसमें से कवर हो ही जाएंगे और इसमें मैंने एक टॉपिक और डाला है कैपिटल रेवेन्यू का तो आपका कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का टॉपिक है जो वो भी हो जाएगा आ, ये आई थिंक मेरी लास्ट वीडियो होगी पी ट्रिपल प्लस बी अकाउंट्स के लिए क्योंकि मेरा स्केड्यूल है जो वो बहुत बिजी है और मुझे टाइम नहीं लगता वीडियो बनाने का एंड uh, वैसे भी मैंने ये वीडियोस किसी स्टूडेंट की पर्सनल रिक्वेस्ट के ऊपर बनानी स्टार्ट की थी और मुझे लगा था कि ठीक है वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे क्योंकि स्टूडेंट्स को ज़रूरत होगी बट व्यूज़ हैं जो एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है तो सो so मैं और वीडियोज़ नहीं बनाऊँगी ये मेरी लास्ट वीडियो है होप होप्सो so, आप सबके लिए ये हेल्पफुल हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑडिट ऑफ बैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं जो क्वेश्चन हैं उनको एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा और आपके पास और ना ही मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम है तो मैं जस्ट आपको एक बार क्वेश्चन बस पढ़ के बताऊँगी इससे ये है कि आप रिविजन कर सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑडिट ऑफ बैंक्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन हैं स्टेटूटरी ऑडिट बैलेंस शीट ऑडिट कंकरेंट ऑडिट या डी बोथ एंड बी बोथ ए एंड बी या ई ऑल ऑफ द अबव तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑल ऑफ द अबव ऑडिट ऑफ बैंक है जो उस वो किसका एग्जाम्पल है स्टेटरी ऑडिट बैलेंस शीट ऑडिट और कंकरेंट ऑडिट का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड क्वेश्चन कनकरंट ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम कॉन्टीन्यूस ऑडिट इंटरनल ऑडिट सिस्टम या डी नन ऑफ द वब तो इसका सही आंसर क्या होगा सी इंटरनल ऑडिट सिस्टम अच्छा इससे पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन बताना चाहती हूँ वो बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हो जाता है कि जो ऑडिट वर्ड है ऑडिट वर्ड है जो वो किस लैंग्वेज से लिया गया है लैटिन लैटिन वर्ड से लिया गया है दैट इज़ ओडायर ओडायर लैटिन वर्ड ओडायर से लिया गया है जिसका मतलब क्या होता है टू हीयर बहुत बार एग्जाम में आ जाता है कि जो ऑडिट वर्ड है वो ओडायर से लिया गया है और ओडायर का मीनिंग क्या है <laughs> तो इसका सही आंसर कहता है टू हियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन इन इंडिया बैलेंस शीट ऑडिट इज ए सिनोनियम्स टू बैलेंस शीट ऑडिट है जो वो किसके सिनोनियम्स है ऑप्शन है एनुअल ऑडिट कॉन्टीन्यूस ऑडिट डिटेल्ड ऑडिट या स्टैट्यूटरी ऑडिट तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ एनुअल ऑडिट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑडिट इन डेप्थ इज सिनोनियम्स फोर कंप्लीट ऑडिट कंप्लीटेड ऑडिट फाइनल ऑडिट या फिर डिटेल्ड ऑडिट तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा डिटेल्ड ऑडिट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव बैलेंस शीट ऑडिट इंक्लूड्स वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज इनकम एंड एक्सपेंसिज अकाउंट्स वेयर अप्रोप्रिएट या डी ऑल ऑफ द अवब तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा डी ऑल ऑफ द जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स Which of the following statement is not true about continuous audit options are it is conducted at regular interval second it may be carried out on daily basis या फिर इट इज़ नीडेड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ए गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या फिर डी इट इज एक्सपेंसिव तो इसका सही आंसर क्या होगा इट इज़ नीडेड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ए गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ये नहीं होता कंटिन्यूज ऑडिट में क्या क्या होता है इट इज़ कंटिन्यूड एट रेगुलर इंटरवल हाँ जी सेकेंड इट मे बी कैरिड आउट ऑन डेली बेसिस येस एंड सी डी इट इज एक्सपेंसिव तो जो सी है वो नहीं होगा नेक्स्ट <coughs> है सेवंथ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट ऑफ ई पी ए तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा एक्सपेंडिचर ऑडिट बिकॉज इसमें क्या क्या आता है इकोनॉमिक ऑडिट एफिशिएंसी ऑडिट एंड इफेक्टिवनेस ऑडिट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट द डेली गवर्नमेंट हैड कंस्ट्रक्टेड सिक्स बेंगलोर फॉर इट्स मिनिस्टर्स दे आर लाइंग अनऑक्यूपाइड फॉर लास्ट थ्री ईयर्स दिस वुड बी ए मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ऑप्शन हैं प्रोप्राइटरी ऑडिट परफॉर्मेंस ऑडिटर फाइनेंशियल ऑडिटर या डी नन ऑफ द अवब तो ये इसका सही आंसर क्या होगा हमारा डी दैट इज नन ऑफ द अवब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन फाइनेंशियल ऑडिटर इज नॉट कंसर्न विद प्रोपर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन हाउ एवर द एक्सपेक्टेशन टू दिस रूल आर कंटेन्ड फॉर ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज इन सही आंसर क्या है इसका हमारा दैट इज सेक्शन टू ट्वेंटी सेवन आई ए एंड कारो टू थाउजेंड थ्री हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन बैलेंस शीट डज नॉट इंक्लूड बैलेंस शीट में क्या नहीं इंक्लूड होता ऑप्शन है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होता है ये तो सेकंड वाउचिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसिज अकाउंट्स रिलेटेड टू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ये भी होता है नेक्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज ये भी होगा तो क्या नहीं होगा रूटीन चेक्स बैलेंस शीट में क्या नहीं इंक्लूड होगा रूटीन चेक्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इलेवन Which of the following statement is not correct about materiality? Options are, material is a relative concept. Second, materiality judgment involves both quantitative and qualitative judgment. Hanji. Next, auditor's consideration of materiality is influenced by the auditor's perception of the need of an informed decision maker who will rely on the financial statement. Hanji. Next, at the planning stage, the auditor considers materiality at the financial statement level only. नो, no. तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा डी नेक्स्ट है डैश द ऑडिट रिस्क डैश द मेटेरियलिटी एंड द डैश ऑडिट एफर्ट ये क्वेश्चन है जो हमारा वो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का जो एग्जाम हुआ था अभी पंजाब गवर्नमेंट ने लिया था उसमें भी आ चुका है ये तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए इसका सही आंसर क्या होगा हमारा लोअर द ऑडिट रिस्क हाइयर द मैटीरियटी एंड लोअर द ऑडिट एफर्ट क्या क्वेश्चन आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए दैट इज लोअर द ऑडिट रिस्क हाइयर द मैटीलिटी एंड लोअर द ऑडिट एफर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेन विशिंग अनकालीफाइड ओपिनियन द ऑर्डर ऑडिट फाइंडिंग शुड बी सेटिस्फाइड दैट द तो सही आंसर क्या है हमारा, इसका ऑप्शन नंबर बी दैट इज एस्टिमेट्स ऑफ द टोटल लाइकली मिस स्टेटमेंट इज लेस दैन मेटीरियलिटी लेवल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इन डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ फॉर एन ऑडिट वट शुड नॉट बी कंसिडर वट शुड नॉट बी कंसिडर्ड तो ऑप्शन क्या है प्रायोर ईयर एरर्स सेकेंड है द ऑडिटर्स रेम्योरेशन या फिर एडजस्टेड इंटायरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर प्रायर ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हम क्या कंसिडर नहीं करेंगे बी दैट इज द ऑडिटर्स रेम्योरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन एनालिटिकल प्रोसीजर इश्यूड इन द प्लानिंग स्टेज ऑफ एन ऑडिट जनरली ऑप्शन हैं हेल्प्स टू डिटरमाइन द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स बी डायरेक्ट अटेंशन टू पोटेंशियल रिस्क एरियाज सी इंडिकेट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस या डी ऑल ऑफ द अवब इस में क्या आ जाएगा हमारे एनालिटिकल प्रोसीजर में डी ऑल ऑफ द अवब question number 16 which of the following statement is most closely associated with analytical procedure applied at substantive stage statement most closely associated है? options first option it helps to study relationship among balance sheet accounts second it helps to discover material misstatement in the financial statements it helps to identify possible oversights, लास्ट ऑप्शन है हमारा इट हेल्प्स टू एविडेंस सपोर्टिंग द वैलिडिटी ऑफ ए स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा हमारा कौन सी स्टेटमेंट मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड है ऑप्शन नंबर डी दैट इज इट हेल्प्स टू एविडेंस सपोर्टिंग द वैलिडिटी ऑफ ए स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन For all audits of financial statement made in accordance with AAS 14, the use of analytical procedure is at the discretion of the auditor in which stage? kaun si stage पे hota hai ye substantive testing matlab मतलब option number A ए। Next question है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 but उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे क्योंकि हमें पहले पता तो लगेगा कि analytical procedure है क्या, right? तो पहले क्वेश्चन नंबर 19, what are analytical procedures? Analytical procedures क्या हैं?

ट्रेसिंग ऑफ परचेज रेकर्ड इन दचेज बुक टू द परचेज इन वॉयस ये हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं है ओके नेक्स्ट कंपेयरिंग एग्रीकेट वेज पेड टू नंबर ऑफ इंप्लॉयज इसमें कंपेयर कर रहे हैं तो ये भी है नेक्स्ट है कंपेयरिंग द एक्चुअल कॉस्ट विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट ये भी है तो इसका सही ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर ए दैट इज ट्रेसिंग ऑफ परचेज रेकर्ड इन परचेज बुक टू परचेज इन वॉयस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इसमें क्या है वैन अप्लाइंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स एन ऑडिटर कुड डिवेल्प इन डिपेंडेंट एस्टिमेट ऑफ एन अकाउंट बैलेंस टू कम्पेयर इट टू किससे कंपेयर करना है ऑप्शन नंबर डी दैट इज प्रायर ईयर ऑडिट बैलेंस एडजस्टेड फॉर ट्रेंड्स इन द इंडस्ट्री नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री वट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर यूज इन द ओवरऑल रिव्यू स्टेज ऑफ एन ऑडिट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए दैट इज टू हेल्प टू कॉबरेट द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाँ जी जो हमारा टॉपिक था ऑडिट कंसेप्ट वो कंप्लीट हो चुके हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑडिट एविडेंस स्टार्ट करते हैं उसके एमसीक्यूज हम फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ लीस्ट प्रोजेसिव टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस लीस्ट कौन सा लीस्ट <laughs> तो ऑप्शंस पढ़ते हैं फर्स्ट इज बैंक स्टेटमेंट ऑबटेन फ्रॉम द क्लाइंट बी डॉक्यूमेंट्स ऑबेंड बाय द ऑडिटर फ्रॉम दर्ड थर्ड पार्टीज़ डायरेक्टली ये भी है नेक्स्ट है कार्बन कॉपीज ऑफ ए सेल्स इन वॉइस इंस्पेक्टेड बाय द ऑडिटर जो कार्बन कॉपीज है वो नहीं होती मतलब उस पर हम इतना रिलाई नहीं कर सकते तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी दैट इज कार्बन कॉपीज ऑफ सेल्स इन वॉयस इंस्पेक्टेड बाय द ऑडिटर सेकेंड क्वेश्चन है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज जनली करेक्ट अबाउट द रिलाइबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस कौन से स्टेटमेंट जनरली करेक्ट है तो ऑप्शंस पढ़ते हैं फर्स्ट इज टू बी रिलायबल एविडेंस शुड रादर देन नो सेकंड इज इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड रिलायबल ऑडिट एविडेंस ये हमारा ऑप्शन सही है तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड रिलायबल ऑडिट एविडेंस नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सटेंसिव टेस्ट आर ऑडिट प्रोसीजर्स दैट इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन देखिए क्या इन एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सटेंसिव टेस्ट आर ऑडिट प्रोसीजरसिव टेस्टिट प्रोसीजर दैट मे बी टेस्ट ट्रांजेक्शन टेस्ट ऑफ बैलेंसिज एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंस ऑफ ए सब्सटेंसिव प्रोसीजर इज रिलेटेड टू लेवल ऑफ कंट्रोल रिस्क ऑप्शन हैं रेंडमली डिसपोर्शन डायरेक्टली या इनवर्सली तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी दैट इज डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस कौन सा फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्शंस हैं फर्स्ट द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड इट्स रेलेवेंस इन मीटिंग द ऑडिट ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारा द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड इट्स रेलेवेंस इन मीटिंग द ऑडिट ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन इज एविडेंशियल मैटर जनरली कंसिडर्ड सफिशेंट ऑप्शन है When it constitutes entire population, yafir when it is enough to provide a basis for giving reasonable assurance regarding truthfulness, yafir when it is objective and relevant, when auditor collect and evaluate it independently. <coughs> so, the option is option B. That is when it is enough to provide a basis for giving reasonable assurance regarding truthfulness. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोरेपरेटिव एविडेंस ऑप्शंस है मिन्यूट ऑफ मीटिंग ये तो है नेक्स्ट कंफर्मेशन फ्रॉम डेटर्स ये भी है नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन गैदरड बाय ऑडिटर थ्रू ऑब्जर्वेशन ये भी है वर्कशीट सपोर्टिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये नहीं है तो अब हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8

What should most appropriately describe the risk of incorrect rejection in terms of substantive testing? Options hai, The auditor conclude balance is materially correct when in actual fact it is not. Yafir, the auditor conclude that the balance is materially misstated when in actual fact it is not. To risk isme the auditor concludes that the balance is materially misstated. When in actual fact it is. नोट यानी कि ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर ऑफ़ रिजेक्शन या फिर रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस तो कौन इफेक्ट करता है मेनली रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस और रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस ये दोनों मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन वट वुड मोस्ट इफेक्टिवली डिस्क्राइब द रिस्क ऑफ इन करेक्ट एक्सेप्टेंस इन दैट द बैलेंस इज मटीरियल करेक्ट वेन इन एक्चुअल फैक्ट इट इज नोट क्लियर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑडिट प्रेपरेशन जी इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दश्योरेंस स्टैंडर्ड डी ऑडिट प्लानिंग इनमें से कौन सा ए एस ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड जो वो ऑडिट प्लानिंग के साथ डील करता है तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी दट इज ए एस एट एट यानी कि ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड एट नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर बाई ऑडिट प्रोग्राम है जो उसको कौन प्रिपेयर करता है फर्स्ट है द ऑडिटर द क्लाइंट या फिर द ऑडिट असिस्टेंट्स या फिर द ऑडिटर एंड हिज ऑडिट असिस्टेंट सो कौन प्रिपेयर करता है ऑडिट प्रोग्राम को ऑडिटर एंड हिज ऑडिट असिस्टेंट यानी कि ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर द वर्किंग पेपर्स विच ऑडिटर प्रिपेयर फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट्स आर ऑप्शन हैं एविडेंस फॉर ऑडिट कंक्लूजन नो ओन्ड बाय द क्लाइंट नो ओन्ड बाय द ऑडिटर हाँ जी ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर ए मैनेजमेंट्स इंटीग्रिटी बी ऑडिटर्स एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल जजमेंट सी ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन या डी कंट्रोल रिस्क सबसे ज्यादा किससे अफेक्ट होते हैं बी दैट इज ऑडिटर्स एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल जजमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी परपज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम प्रशन ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए टू डिटेक्ट एरर्स और फ्रॉड्स टू कंप्लाई विद गैप टू गैदर सफिशियंट अप्रोप्रिएट एविडेंस तो सही आंसर क्या है हमारा टू गैदर सफिशेंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेपरेशन ऑफ वर्किंग पेपर ऑप्शन बेसिस फॉर रिव्यू ऑफ ऑडिट वर्क ये भी है टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर सब्सिक्वेंट ऑडिट ये भी है टू एन ऑडिट वर्क इज बींग कैरिड आउट एज पर प्रोग्राम ये भी है देन डी टू प्रोवाइड ए गाइड फॉर एडवाइजिंग अनदर क्लाइंट ऑन सिमिलर इशू नो ये नहीं है तो ये इसका एडवांटेज नहीं है वर्किंग पेपर का क्या टू प्रोवाइड ए गाइड फॉर एडवाइजिंग अनदर क्लाइंट्स ऑन सिमिलर इशू एडवांटेज कौन कौन से बेसिस फॉर रिव्यू ऑफ ऑडिट वर्क टू प्रोवाइडेंट ऑडिट्स एंड टू एंड श्योर ऑडिट वर्क इज बींगरड आउट एज पर प्रोग्राम तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑडिटर्स परमानेंट वर्किंग पेपर फाइल शुड नॉट बी नॉर्मली इंक्लूड उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता एक्सट्रेक्ट फ्रॉम क्राइंट्स बैंक स्टेटमेंट ये इंक्लूड नहीं होता इंक्लूड क्या क्या होता है पास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट एग्रीमेंट्स एंड अटोर्नीज लेटर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर वट मिनिमम पीरियड शुड ऑडिट वर्किंग पेपर बी रिटेन बाई ऑडिट फॉर्म

सी द नेचर ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट या डी द कंटेंट ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर तो कौन कौन सा फैक्टर जो लीस्ट अफेक्ट करते हैं तो उसका आंसर है क्वेश्चन नंबर टेन सॉरी ये क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रोर रिगार्डिंग एन ऑडिटर्स वर्किंग पेपर्स तो ऑप्शन है हमारे द डॉक्यूमेंट्स The level of independence maintained by the auditor. They should be considered as the principal sport for the auditor's report. They should not contain details regarding weaknesses in the internal control system. They help the auditor to monitor the effectiveness of the audit firm's quality control. So which statement where, <coughs> option number B that is, they prepare sorry, they should be considered as the principal sport for the auditor's report. Option number B. Next question number 11, which of the following statement best describe the understanding with respect to ownership and custody of working papers prepared by an auditor? Options are, the working papers may be obtained by third parties when they appear to be relevant to issues related to litigation. Hanji. next question द करंट फाइल ऑफ द ऑडिटर्स वर्किंग पेपर जनरली शुड इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड होता है तो ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर ए अ फ्लो चार्ट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल बी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट सी अ कॉपी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डी कॉपी ऑफ बॉन्ड एंड डिचर्स तो ऑप्शन होगा हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी दैट अ कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन नॉलेज ऑफ द एंटिटीज बिजनेस डज नॉट हेल्प द ऑडिटर टू ऑप्शन हैं रिड्यूज इनहेरेंट रिस्क या फिर आइडेंटिफाई इवेल्यूट रीजनेबलनेस ऑफ एस्टिमेट्स इवेल्यूट अप्रोप्रिएट ऑफ गैप हम इससे क्या नहीं कर सकते रिड्यूज इनहेरेंट रिस्क यानी कि ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग टेक्निक इज दैट सच टेक्निक ऑप्शन है मैथेमेटिकली मेजर रिस्क या फिर एलिमिनेट द नीड फॉर जजमेंट सैम्पलिंग डिफाइन द वैल्यू ऑफ ट्रोलरेबल एरर या ऑल ऑफ दैम तो मेन एडवांटेज क्या है मैथमैटिकली मेजर रिस्क नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सैंपल सिलेक्शन इज लीस्ट सुटेबल फॉर एक्सट्रापोलेटिंग रिजल्ट टू द पॉपुलेशन ऑप्शनस है सिस्टमैटिक सैंपलिंग रैंडम सैंपलिंग हफ हज़ार सैंपलिंग या डी नन तो इसका सही आंसर क्या होगा हफ हजार सैम्पलिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट लोअर द सैंपलिंग रिस्क ग्रेटर द सैंपल साइज बी समोलर द टॉलरेट एरर ग्रेटर द सैंपल साइज सी लोअर द एक्सपेक्टेड एरर द दैंपल साइज या डी ओल आर करेक्ट तो इसका सही आंसर क्या है डी ओल आर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर रैंडम बेस्ड सिलेक्शन रैंडम बेस्ड सिलेक्शन के लिए ऑप्शन हैं ए सैंपल शुड बी ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन बी एवरी स्टार्टा ऑफ पॉपुलेशन शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द सैंपल सी एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बींग सिलेक्टेड इन एन सैंपल तो रैंडम बेस्ड सैंपल में क्या होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट सी दैट इज एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बींग सिलेक्टेड इन द सैंपल Next question number 18. Risk of underlines is the risk that the sample selected to test control. Option number A that is does not support the auditor's plan assessed level of control risk when the true operating effectiveness of the control structure justifies such an assessment. Option number A. Question option <coughs> Sorry. Question number 19. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इन डिटरमाइनिंग द द साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑप्शन हैं प्रोजेक्टेड एरर बी टोलरेबल एरर सी एक्सपेक्टेड एरर या डी बोथ बी एंड सी तो सही आंसर क्या होगा हमारा इसका डी बोथ बी एंड सी मतलब टोलरेबल एरर एंड एक्सपेक्टेड एरर नेक्स्ट है इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी

तो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अच्छा इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है बिकॉज इस टॉपिक के मैंने सिर्फ नाइन क्वेश्चन ही डाले हैं इसमें ज़्यादा नहीं है और ये टॉपिक भी दिया हुआ है हमारे सिलेबस में तो ये टॉपिक भी आपका यहीं से कवर हो जाएगा अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप और एम इसके अलग से कर सकते हैं तो देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो क्या होता है कोई ऐसा एक्सपेंडिचर कोई भी ऐसा खर्चा जो हम करते हैं ताकि हमें फ्यूचर में बेनिफिट हो लाइक like जब हम कोई फिक्स एसेट्स खरीदते हैं राइट right? कोई फिक्स एसेट खरीदते हैं तो हम कैसे खरीदते हैं लाइक मशीनरी खरीदने फिक्स एसेट मतलब कोई मशीनरी खरीदना लाइक तो मशीनरी मान लो हमने बीस लाख की खरीदी है तो ये तो है नहीं कि मशीनरी हमने बीस लाख की खरीदी है और उसको पाँच छः महीने में बेच देंगे राइट right? तो अगर हम कोई फिक्स एसेट या कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं पैसा जिसमें से हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे लाइक like वो फाइव ईयर्स के लिए टेन ईयर्स के लिए ट्वेंटी ईयर्स के लिए तो उसको हम क्या बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या जाता है कि कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जिसके जिसके हमारे बेनिफिट्स हैं जो वो एक बार होते हैं लाइक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको इसका सैलरी uh, जैसे कि हमने किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे की है मार्च मंथ की राइट मार्च मंथ की सैलरी पे की है तो हमें उसके बेनिफिट्स सिर्फ मार्च मंथ में मिलेंगे अगर हम उससे बेनिफिट अप्रैल मंथ में लेना चाहते हैं तो अप्रैल की सैलरी पे करनी पड़ेगी और अगर हम उसके बेनिफिट्स हैं जो मई मंथ में लेना चाहते हैं तो हमें मई मंथ की सैलरी पे करनी पड़ेगी मतलब क्या ये बार बार होते हैं जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है मतलब हमें बार बार पे करने पड़ते हैं जो कैपल एक्सपेंडिचर है वो जो वो सिर्फ एक बार पे करना पड़ता है क्लियर है आई होप आप सबको पता लग गया होगा कि कैपिला वेन एक्सपेंडिचर क्या है और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल और देती हूँ मैं एक इसका एग्जाम्पल और देती हूँ like लाइक हमने कोई मशीनरी खरीदी है मशीनरी परचेज किया है हमने कोई जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं मशीनरी को मान लीजिए हमने एक लाख की मशीनरी खरीदी और हमने मशीनरी की इंस्टॉलेशन पर वेजेस पे किए मशीनरी की इंस्टॉल करने के लिए वेजेस पे किए हैं ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है तो मशीनरी क्या है हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है और उसकी जो इंस्टॉलेशन पर वेजेस पे की हैं वो एक बार ही पे करेंगे ना इंस्टॉलेशन की वेजेस बार बार तो पे नहीं करेंगे तो ये जो ट्वेंटी थाउजेंड है ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में ही इंक्लूड हो जाएगा क्लियर यहाँ पे जो वेजेस है वो ट्वेंटी थाउजेंड वो बन गया कैपिटल एक्सपेंडिचर बट अगर हम वेजेस एक्स्ट्रा पे करते हैं लाइक like हर एक साल हम वेजेस पे कर रहे हैं तो जो हम वेजेस हर एक साल पे करते हैं ठीक है तो वो वेजेस किस में आ जाती हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में या फिर एक एग्जाम्पल और लाइक हमने एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है लाइक हमने एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है अभी खरीदी है मान लो अभी सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है और इसकी हमने क्या किया रिपेयर करवाई है ताकि इसको वर्किंग कंडीशन में ला सकें और हम इसको यूज कर सकें ठीक है मान लो सेकेंड हैंड मशीनरी है जो वो सिक्सटी थाउजेंड की थी और फाइव थाउजेंड हमने इसकी रिपेयर पे खर्चा कर दिया तो जो इसकी रिपेयर पे खर्चा किया ना हमने ठीक है क्यों क्योंकि इसको वर्किंग कंडीशन मिलाने के लिए तो ये यहाँ पे क्या है इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर है मतलब यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया हमारा सिक्सटी फाइव थाउजेंड बट जब हम रिपेयर के एक्सपेंडिचर हर साल पे करते हैं लाइक like हम हमने वो मशीनरी खरीदी सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी उसकी रिपेयर करवाई तो क्या हो गया वो कैपल एक्सपेंडिचर अब हमने उस मशीनरी को इंस्टॉल कर लिया और हम उसको यूज़ करना शुरू कर दिया और अब हम क्या कर रहे हैं हर साल किसी भी मंथ में लगा लो या हर मंथ लगा लो हर एक साल लगा लो हम उसकी रिपेयर करवा रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए क्यों करवा रहे हैं ताकि उसको हम मेंटेन करके रख सके वर्किंग कंडीशन में रख सके जब हम उसकी मेंटेन कर उसको मेंटेन करने के लिए हर साल रिपेयर करवाएंगे तो वो जो रिपेयर है बार बार हो रही है मतलब तो वो क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्लियर जब हम किसी चीज को इंप्रूव करने के लिए कोई खर्चा करते हैं इंप्रूव इंप्रूव मतलब उसमें कुछ एडिशंस करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा जब हम उसको मेंटेन करने के लिए कोई एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो आ जाता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्लियर तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसिस शुड नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑप्शन हैं एक्सपेंसिज पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ ए प्लांट बी कॉस्ट ऑफ

सी एक्सपेंस इंकर्ड फॉर लेइंग ऑफ स्वेर्स लैंड परचेज या फिर डी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द शिप तो कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है ये पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी दट इज कॉस्ट ऑफ असैसरीज ऑफ मोटर वहीकल स्पेंट एट द टाइम ऑफ परचेज नेक्स्ट क्वेश्चन है डी डेप्रिशन डज नॉट अराइज फ्रॉम ऑप्शन है इफ्लक्शन ऑफ टाइम यूज थ्रू टेक्नोलॉजी बी मार्केट चेंज सॉरी बाय आएगा यहाँ पे बाई मार्केट चेंज या फिर डी री मार्केट एक्सपेक्टेशन तो डेप्रिशन कहा होती ऑप्शन नंबर डी दैट इज री मार्केट एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स डील विद डेप्रेस डेप्र के साथ कौन सा स्केड्यूल डील करता है तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज स्केड्यूल फोर्टीन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केडूल फोर्टीन हैज प्रिस्क्राइब रेट्स ऑफ डेपेशन फॉर डबल शिफ्ट एंड ट्रिपल शिफ्ट वर्किंग फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स किसके बारे में बताया गया उसमें प्लांट एंड मशीनरी के बारे में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स इफ द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट स्टैंड एट डैश परसेंट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट अ कंपनी नीड नॉट प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इट तो कब हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है जब उसकी बुक वैल्यू फाइव परसेंट हो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंपनी हैज पेटेंट्स, एस एल एम दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन एट विच ऑफ द रेवेन्यू रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व कौन सा है कैपिटल डम्पन रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डिपेंचर रिजर्व या कैपिटल रिजर्व इसका सही आंसर है हमारा सी डिबेंचर रिडम्शन रिजर्व क्योंकि जो बाकी के हैं कैपिटल रिडम्शन रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और कैपिटल रिजर्व ये सारे कैपिटल नेचर के हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोलोइन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लीड टू क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व ऑप्शन है ए अंडर वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या बी चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू इन दोनों के साथ तो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होंगे सी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बींग शोन एज एक्चुअल सेल तो इससे हमारा जो वो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट नहीं होगा तो इसका हमारा ऑप्शन क्या है सही ऑप्शन नंबर सी हाँ जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपनी ऑडिटर कंपनी ऑडिटर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेटरी ऑडिटर ऑफ ए लिमिटेड कंपनी लिमिटेड कंपनी का तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा बी दैट इज मेंबर्स ऑफ द कंपनी

A. Partnership firm can be appointed as a statutory auditor of limited company. B. Appointment can be made in the name of the firm. C. Majority of the partner should be practising in India. And D. All partners should be chartered accountant. So, constituting C that is majority of the partner should be practising in India. Next question, question number 4. As per the requirements of section 226.3,

द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ए कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सिटर विद इन मंथ ऑफ इनकार कंपनी दैट इज ऑप्शन नंबर डी हाँ जी क्वेश्चन नंबर सिक्स द टर्म ऑफ द ऑडिटर शिप ऑफ फर्स्ट ऑडिटर वुड बी फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टिल कब से कब तक होती है द <coughs> सॉरी फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से लेके द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है नंबर इन केस द डायरेक्टर्स डायरेक्शन कर लेना इन केस द डायरेक्टर्स फेल टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर द शेयर होल्डर्स अपॉइंट दैम एट डैश बाई पासिंग ए रिजोल्यूशन जब डायरेक्टर्स फेल हो जाते हैं तो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं कब अपॉइंट करते हैं वो एट अ जनरल मीटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होल्ड ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल ऑडिटर इन एक्स वाई जेड लिमिटेड वुड वी बाई रिजोल्यूशन स्पेशल रिजोल्यूशन सी और बी या डी तो नंसर क्या होगा कैसे अपॉइंट करेंगे बाई स्पेशल रिजोल्यूशन क्वेश्चन नंबर नाइन आईसीआईसीआई सी आई और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होल्ड 32 परसेंट ऑफ सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल ऑफ डेल्टा लिमिटेड द स्टेटरी ऑडिटर ऑफ डेल्टा लिमिटेड वुड बी अपॉइंटेड बाय कैसे अपॉइंट करेंगे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन स्पेशल रिजोल्यूशन आइडर ऑफ द वब या डी नन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेटरी ऑडिटर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऑप्शन टू ट्वेंटी फोर थ्री करेक्ट है ये इफ एन ऑडिटर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बी एक्सरसाइज करेक्ट है तो कौन सी करेक्ट नहीं है ऑप्शन नंबर बी दैट इज इफ अ कंपनी फेल टू अपॉइंट एन ऑडिटर एट अ जर्नल मीटिंग नेक्स्ट है If a casual vacancy in the office of auditor arises by his resignation, it should only be filled by the company in a कैसे फिल कर सकते हैं बोर्ड मीटिंग में एक्सट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग में एनुअल जनरल मीटिंग में या जनरल मीटिंग में तो सही आंसर क्या होगा इसका सी दैट इज जनरल मीटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है For the purpose of section 224ib, the number of partners of a firm which shall be taken into account would be as on the date of completion of audit, auditor's report, c. Acceptance of audit or starting of audit work. So its correct answer kya hoga c. That is acceptance of audit. Option number c. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउंटेड फॉर द परशन टू ट्वेंटी फोर आई बी द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ शैल पार्टनर इन टू अकाउंट वुड बी एज ऑन द डाटा ऑफ ज्वाइंट ऑडिट ऑडिट टू नॉन प्रॉफिट कंपनीज या सी ऑडिट ऑफ अनलिमिटेड कंपनीज डी ऑल ऑफ द वब या ई ए एंड बी ओनली तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा ई ए एंड बी ओनली यानी कि ज्वाइंट ऑडिट एंड ऑडिट टू नॉन प्रॉफिट कंपनीज नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर नारायण अ चार्ट अकाउंटेंट हैज़ 19 ऑडिट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट्स, व्हिच ऑडिट्स शुड बी एक्सेप्टेड टू एन ही डजेंट वायलेट प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 224 ट्वेंटी आई बी तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास एक मिनट फर्स्ट है ऑडिट ऑफ जैबा लिमिटेड अ प्राइवेट कंपनी बी ऑडिट ऑफ ब्रांच ऑफ पॉइंटेक लिमिटेड ए फॉरन कंपनी या फिर सी ऑडिट ऑफ टू ब्रांचिज ऑफ विचुअल लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी या डी ओल ऑफ दैम तो इसमें से किसी को भी कर सकता है ओल ऑफ दैम डी आंसर नेक्स्ट है फिफ्टींथ क्वेश्चन विच ऑडिट आउट ऑफ द फॉलिंग वुड नॉट बी रिगार्डेड एज वन ऑडिट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन टू ट्वेंटी फोर आई बी ऑप्शन है ऑडिट ऑफ वन ब्रांच ईच ऑफ टू डिफरेंट कंपनीज तो ये वन ऑडिट नहीं है ये टू ऑडिट्स हैं बिकॉज जो ब्रांचेज हैं वो टू डिफरेंट कंपनीज की हैं ऑडिट ऑफ वन ब्रांच ईच ऑफ टू डिफरेंट कंपनीज तो ये दो ऑडिट हो गई ठीक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द ऑडिटर ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाई सी एंड ए जी मतलब कैग आएगा यहाँ पे कैग सी ए जी सी एंड ए जी ने सी ए जी ठीक है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG the auditor of a government company is appointed by CAG his remuneration is fixed by उसके remuneration कौन fix करता है remuneration fix की जाती है shareholders के द्वारा by b the shareholders next question number seventeen, the section which contain provisions regarding remuneration of the auditor is कौन से सेक्शन में प्रोविजंस है remuneration के रिगार्डिंग तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी दैट इज सेक्शन 2248 में है नेक्स्ट है एटीन द अथॉरिटी टू रिमूव द फर्स्ट ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म इज विद किसके पास अथॉरिटी है शेयर होल्डर्स इज इन जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स के पास कि वो जनरल मीटिंग में इसको रिमूव कर सकते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म क्या क्या ऑप्शन हैं ही इज रिमूव एट जनरल मीटिंग ओके द स्टैंडर्ड सॉरी द शेयर होल्डर्स आर ऑनओ हो सॉरी फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ही इज रिमूव्ड एट अ जनरल मीटिंग

उसको कौन सा राइट नहीं है मेक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन या फिर गेट हिज रिप्रेजेंटेशन सर्कुलेटेड या फिर बी मीटिंग स्पीक अ ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ स्टेटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी किसको स्टैटरी ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता तो ऑर्स्ट डायरेक्टर को किया जा सकता है रिलेटिव ऑफ ए डायरेक्टर है जो उसको किया जा सकता है नेक्स्ट है ओनली बी एंड सी या फिर इंटरनल ऑडिटर तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी दैट इज इंटरनल ऑडिटर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू आ, मुझे ना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में आप देख लेना नहीं तो मैं कमेंट कर पिन कर दूंगी इसका सही आंसर मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है नेक्स्ट right है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू अटेटरी ऑडिटर हैज़ राइट ऑफ एक्सेस एट ऑल टाइम्स टू ऑप्शन है ए बुक्स एंड अकाउंट्स ऑफ ए कंपनी बी बुक्स अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी सी बुक्स अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ द कंपनी तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी दैट इज बुक्स अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ द कंपनी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री द ऑडिटर हैज ए राइट टू ऑडिटर हैज राइट टू Options क्या है ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन या फिर necess तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी एंड सी यानी कि ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑबटेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेन फ्रॉम द्लॉज एंड ऑफिसर्स एंड ऑबटेन इन्फॉर्मेशन एंड नेसेसरी फॉर द परपज ऑफ ऑडिट नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑडिटर एज पर क्लैरिफिकेशन इश्यूड बाई द आई सी ए आई डज नॉट है राइट नहीं है उसके पास इंस्पेक्ट वर्किंग पेपर ऑफ़ द ब्रांच ऑडिटर ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑडिटर हैज ए ड्यूटी टू इंक्वायर इन टू सिक्स स्पेसिफाइड मैटर एंड रिपोर्ट बाई एक्सेप्शन तो इसका सही आंसर क्या है हमारा टू ट्वेंटी सेवन आई ए Next, the auditor has to inquire under section 227 IA into different aspects related to share allotted for cash for the purpose of auditors include. kya include first is share against whose allotment cash has actually been received. Shares allotted for consideration other than cash. Shares allotted against a debt payable. Yea D, all of them. answer is D, that is all of them. Question number 27: Right to visit branches has been given to the auditor. Under which section? किस सेक्शन के अंदर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज सेक्शन टू फोर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रूल्स रिगार्डिंग एग्जाम्पशन फ्रॉम ब्रांच ऑडिट इज नॉट ट्रू कौन सी ट्रू नहीं है फर्स्ट है अ ब्रांच ऑफिस ऑफ ए कंपनी कैन बी ग्रांटेड एग्जाम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम ऑफ एक्टिविटी क्राइटेरियन ओके फैक्ट्री अरेजमेंट ऑफ स्क्री चेक ऑफ दुक्स अकाउंटेक्चरिंग कंपनी है नेक्स्ट है द ब्रांच ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स इन एनुअल जर्नल मीटिंग शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन बोर्ड मीटिंग आंसर क्या है हमारा इसका बी शेयर होल्डर्स इन जर्नल मीटिंग नेक्स्ट है ऑडिटर ऑफ अ डैश कंपनी डेव राइट टू विजिट फॉर किसके क्वेश्चन नंबर थर्टी फर्स्ट स्पेशल ऑडिट इज कंडक्टेड एट द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विच सेक्शन गिव सच पावर कौन सा सेक्शन पावर देता है ऑप्शन नंबर सी दैट इज सेक्शन टू फोर्टी टू ए नेक्स्ट है Who among the following can be appointed as a special auditor by the central government? The statutory auditor B chartered accountant in practice. Yes, see any chartered accountant he is not in practice. Yes, D both A and B. So, the answer is B, that is chartered accountant in practice. Next question is, The scope of the auditing include? reference to the pronouncement of the ICAI which of the auditor adheres to generally is communicated to the client in the ऑप्शन हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट एंगेजमेंट लेटर रिप्रेजेंटेशन लेटर या फिर वन ओनली बोथ वन एंड टू बोथ वन एंड थ्री या ऑल ऑफ द तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा बोथ वन एंड टू यानी कि ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड एंगेजमेंट लेटर नेक्स्ट है If any director is disqualified from being appointed under Section 2741 g the auditor should mention this fact in his audit report. For this purpose, how does the determine their eligibility? Options are, he obtain a representation from each director. He obtain a management representation. He inquires from registrar of companies, any one of the above. So, answer A, that is he obtain a representation from each director. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 एज पर द स्टेटमेंट ऑन क्वालिफिकेशन इन ऑडिटर्स रिपोर्ट्स इशूड बाय द आईसीएआई द ऑडिटर अंडर सेक्शन 2273 हैज टू गिव अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ऑन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या सेस पेबल अंडर सेक्शन 441 ए नन ऑफ द अबव तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी दैट इज सेस पेबल अंडर सेक्शन 441 ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स द डेट ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट शुड नॉट बी द डेट ऑफ ए जी एम लेटर दैन द डेट ऑन विच द अकाउंट्स आर अप्रूव्ड इन बोर्ड्स मीटिंग सी आर लायर दैन द डेट ऑन विच द अकाउंट्स आर अप्रूव्ड बाय द मैनेजमेंट ए डी बोथ ए एंड बी तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी दैट इज आर लायर दैन द डेट ऑन विच द अकाउंट्स आर अप्रूव्ड बाय द मैनेजमेंट अच्छा ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स था जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन Section 227.2 of the Companies Act requires the auditor to give his report to the members of the company on certain matters. Which of the following is not included in the verb?

Which of the following report not result in qualification of the auditor's opinion due to scope limitation? Options are restriction the client imposed, reliance on the report of other auditor, C. Inability to obtain sufficient appropriate evidence, shall matter, D. Inadequacy of accounting record. So, <coughs> say answer our option B that is reliance on the report of other auditor. Next question. Hai,

The management of the company has made full disclosure of these facts in the notes to the balance sheet. The auditor is satisfied with the level of disclosure. He should issue to unqualified opinion with reference to notes to the accounts. Next, which of the following is true about explanatory notes? Options and these are given by the directors of the company. These are given to adhere the, to requirement of section two eleven. These are given by the auditors of the company in auditor's report. Yet D all of the above. So its answer is option A, that is these are given by directors of the company. Next question number forty four. The client changed method of depreciation from straight line to written down value method. This has been disclosed as a note to the financial statement. It has an immaterial effect on the current financial statement. It is expected, however, that the change will have a significant effect on future period. Which of the following option should the auditor express? The auditor can express an unqualified opinion. Next time, question number 45 Which of the following is not true regarding requirement under section 227.3 of the Companies Act 1956? so science MR option number d that is the disqualification should be considered on the date of audit report next term question number 46 the management of a company to which accounting standard 3 is not applicable does not include statement of cash flow in its annual report the auditor should express unqualified opinion qualified opinion एडवर्स ओपिनियन सही आंसर क्या होगा हमारा अनक्वालिफाइड ओपिनियन क्वेश्चन सेवन ऑडिटर गिव डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इन रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ स्टैंडर्ड अनिफाइड ऑडिट रिपोर्ट आर मोडिफाइड स्कोप पैराग्राफ ियन पैराग्राफ स्कोप एंड ओपिनियन पैराग्राफ्रोड्यूसरी रिकॉग्नाइज अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज डिस्कल इन नोटबुक टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ऑडिटर शुड इशू ए स्टैंडर्ड अनिफाइड ऑडिट रिपोर्ट इशू क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू एंड अनिफाइड रिपोर्ट विदेजिज ऑफ मैटर पैराग्राफ

ऑडिटर्स रिपोर्ट लाइक तो वो कौन सी रिपोर्ट देंगे सी दैट इज अनुफाइड आई ओपिनियन विद एक्सप्ल पैराग्राफ नेक्स्ट है द ऑडिटर शुड स्टेट द रीजन फॉर हिज रिजर्वेशन इन ऑडिट रिपोर्ट एंड शुड ट्राई टू क्वानिफाई द इफेक्ट ऑन दैम दिस शुड बी डन इन केस हीज एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन एंड अनकालीफाइड ओपिनियन या सी एंड एडवर्स ओपिनियन या डिस्कलेमर ऑफ ओपिनियन तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा ए दैट इज अ

Under CARO 2003, the auditor's report should include report about maintenance of proper recording related to fixed assets and cost, fixed assets, cost and investment, fixed assets, cost investment and inventories, fixed assets, cost and inventory. So, answer kya option number C that is fixed assets, cost investment and inventory. Next uh, is topical last question 53. Under CARO 2003, the auditor is required to report on एरियाज ऑफ कम्यूनिटिव प्रेफरेंस डिविडेंड्स क्या आएगा इसका एरियाज ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड्स ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट ऑडिट फर्स्ट क्वेश्चन इसका एज पर कैक 1971 द टेन्योर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज डैश कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो टेन्योर है वो कितने ईयर होते हैं सी दैट इज सिक्स ईयर्स Second question: The part of the government audit which is concerned with examining whether the money has been spent for the purpose specified in appropriation act is called audit of sanctions, audit of provisions of fund, audit of rules and orders, or audit of financial property. So, correct answer amara, B, that is audit of provisions of uh, funds. Next, uh, audit of transaction does not include audit of transaction does not include property order. एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट या सी ऑडिट ऑफ रिसिप्ट या डी ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा नॉट इंक्लूड में बी कम परफॉर्मेंस ऑडिट क्वेश्चन नंबर फोर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज सेंट एक मिनट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज सेंट मिस्टर एक्स डबल रिफंड ऑफ एडवांस टैक्स द गवर्नमेंट ऑडिटर डिटेक्टेड दिस वाइल कंडक्टिंग कब ऑडिट करेगा वो कब डिटेक्ट करेगा ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर परफॉर्मेंस ऑडिट या ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक या फिर ऑडिट ऑफ रिसिप्ट तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा ऑडिट ऑफ रिसिप्ट नेक्स्ट है ऑडिट ऑफ डेट डिपॉजिट्स एंड रेमिटेंसेस डज नॉट कवर ऑडिट ऑफ बोरिंग ये तो है ऑडिट ऑफ अमोटाइजेशन ऑफ डेट ये भी है रेमिटेंस ऑडिट ये भी है तो इसमें क्या आ जाएगा ऑडिट ऑफ सेंक्शन ये नहीं है इसमें नेक्स्ट है A state government spent Rs. 50 lakhs on renovation of Rajbhavan for its governor. In the CAG's opinion, this expenditure was more than what occasion demanded. It is an example of Propriety audit Performance audit Audit against provision of funds None of the above. This is the proprietary audit. Next question number 7 Audit reports on PSUs are Submitted to the president, governor for being led before the parliament. या फिर सेंट टू कंसर्न मिनिस्टर या फिर to BOD of concern, PSU या या तो तो जो ऑडिट रिपोर्ट है पब्लिक सेक्टर यूनिट की तो क्या फिर डिपार्टमेंट नेक्स्ट है द कै समेव कमेंट ऑन एक्सपेंडिचर इनकार ऑन बाइंग सॉरी बाइंग वॉर In his opinion, the coffins cases imported could have been replaced with less expensive domestically produced ones. This is an aspect of audit of sanction, audit of stores and stock, property audit, or both B and C. So, case hai? Audit of stores and stocks and propriety audit. Who among the following is eligible to be appointed as an audit of government company? So, the answer is option bhe, that is a chartered accountant in practice. Next is, टेंथ क्वेश्चन द स्टेटरी ऑडिटर ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी सबमिट हिज रिपोर्ट टू गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट किसको प्रेजेंट करता है कैको